आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त हम जिस दुकान पे खड़े हैं वहाँ कितने अलग अलग तरीके के भगवान को पहनाने के लिए मालाएं हैं, वस्त्र हैं भगवान के, इसके साथ ही तोरण है। तो यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, क्या खरीद रही हैं? मैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति माला खरीद रही हूँ। और वस्त्र खरीद रहे हैं। और बाकी की खरीदारी हो गई? हाँ हो गई है। कैसा चल रहा है बाजार? हम तो अकेला काम कर रहे हैं सर, लेकिन बात रह गया कि जितना समझ में आता करते हैं, मेरा है लेकिन बिक्री कम है सर। आप कुछ बोल रहा है? आपके दुकान पे इन सब चीज़ों का क्या दाम है? ये कितने की है, ये क्या है और कितने की है? आसान है 180 रुपये का है जी, एक मीटर का जी। और ये माला? माला 50 का है। आप कितने सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम दुकान बहन जी लगाते हैं 4-5 साल से, कि लॉकडाउन में नहीं आए थे। और कुछ बोलिए। लॉकडाउन के बाद बिक्री कैसी चल रही? बिक्री है कमज़ोर बिक्री है सर। और भीड़ है लेकिन बिक्री कम है सर। और बोलिए। ठीक है, क्या खरीदारी कर रही हैं? पूजा का खरीदारी कर रहे हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी का खरीदारी कर रहे हैं, माला वाला ले रहे हैं, मूर्ति ले लिए, माला बाकी है, माला ले रहे हैं। आपकी खरीदारी हो गई? खरीदारी हो रही है, नहीं हो भी कर रहे हैं। क्या क्या खरीदा? ये लक्ष्मी गणेश जी का ये माला खरीदे हैं, इसके बाद ये जो है कपड़ा खरीदे हैं, कपड़ा के बाद बाबा से हम हर साल खरीदते हैं। और दिवाली जो है, रही बात सबसे जो निसहाय गरीब तबका का है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं जो खरीदारी करें ताकि उनका खुशियां जो है मिल सके। और ये देख रहे होंगे आप जो ये जो हैं बाबा, इनके पास कोई भी आदमी नहीं है, हम ऐसे ही जगह से खरीदते हैं ताकि इनका दीपावली अच्छा से अच्छा हो सके। आपकी सोच को लेकर, बहुत अच्छी सोच है आपकी ये, इस सोच के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम अपेक्षा रखेंगे लोगों से ज़्यादा दीपावली जो होता है ये नहीं कि अपना परिवार के साथ मनावे, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब और असहाय हैं समाज के अगल बगल, जिनको पैसे की कमी है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हम लोग उसके साथ शेयर करें तो दिवाली बहुत ही अच्छा होगा। हम सभी लोगों से, ये समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से, आसपास के सभी मोहल्लों के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब तबका के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके घर जाके मिठाई दें, पटाखा दें, नया वस्त्र दें, ताकि लोग दिवाली बहुत ही अच्छा, उसका मज़ा जो है ये दिवाली में नहीं है, ताकि खुशियाँ बांटने से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि धनतेरस की खरीदारी के साथ साथ लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी खरीद रहे हैं। तो आप इस दुकान में देख सकते हैं कि कितने अलग अलग आकार के की मूर्तियां हैं, छोटे से लेके बड़े से लेके हर आकार की सुंदर सुंदर मूर्तियां यहां पे हैं। हम यहां के दुकानदार से बात करेंगे। दो मिनट, कैसा चल रहा है बात? ठीक ही है। आपके दुकान पे कितने रेंज से शुरू होकर मूर्तियाँ कितनी रेंज तक? 100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की मूर्तियाँ हैं। कौन से रेंज की मूर्ति की ज़्यादा डिमांड है? कपड़े वाले बंगाल की मूर्ति की ज़्यादा डिमांड है। अभी तक कितनी बिक चुकी है? अब वो तो अब हम नहीं बता सकते ना, कितना है बिका है वो तो नहीं बता सकते, मगर बिक रहा है मूर्ति। पिछले साल से कैसे बिक रही? पिछले साल से अच्छी है या खराब है? नॉर्मल जैसा था उसी है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं मगर फिर भी ठीक है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या खरीदने आई हैं? हम लक्ष्मी जी गणेश जी का मूर्ति खरीदने आए हैं। और क्या क्या खरीदा? और बहुत सामान खरीदेंगे। आप क्या खरीदने आई हैं? लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए सारा सामग्री लेने आए हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, सजावट का, रंगोली का सामान। आप क्या खरीदने आए? मम्मी के साथ आए हैं खरीदने। क्या खरीदे? घर को सजाने के लिए तोरण ले रहे हैं। और बाकी खरीदारी हो? नहीं, धनतेरस का थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ है, कुछ तो अभी बाकी ही है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
www.thefollowup.in.